देखिए, जनकपुरी के अंदर इस बार संगठन ने यह निर्णय लिया है कि जो हिंदू बहन बेटियों के संग जो छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं, इसको रोकने के लिए बजरंग दल द्वारा 5 चौकियां बनाई गई हैं। प्रत्येक चौकी पर 20-20 कार्यकर्ताओं की टोली रहेगी, जो अपने बजरंग दल के भगवा टी शर्ट में रहेंगे और उनके प्रवेशिका दी जाएंगी उनको, जिसमें माननीय संगठन मंत्री जी के हस्ताक्षर प्रवेशिकाएं रहेंगी। और जितनी भी बहन बेटियां वहां पर आ रही हैं, अगर कहीं पर भी कोई उनके संग बदतमीजी करता है तो वो बजरंग दल की चौकियों पर, जो 5 चौकियां, एक चौकी तो मेन मंच के सामने लगाई जा रही है, मेन पंडाल जो है उसके ठीक सामने लगाई जाएगी, कहीं पर भी उनको कोई दिक्कत होती है वो चौकी पर जाकर तुरंत हमारे कार्यकर्ताओं से संपर्क कर सकती हैं, कार्यकर्ता उनकी पूरी मदद करेंगे। बजरंग दल का नेतृत्व हमारे दिग्विजय नाथ तिवारी और उनके नेतृत्व में एक योजना बनाई है, 5 चौकियों का निर्माण होगा, उसमें 5 चौकियों से एक ही संदेश है, लव जेहाद मुक्त जनकपुरी बनाने का संकल्प है। लव जेहाद, हमारी भोली वाली बहन बेटियां जो आपने कहा है, ये उत्तर भारत की, केवल यहीं के नहीं बाहर के लोग भी आते हैं, जब वो एक समुदाय का एक टोला निकलता है तो मेरी बहन को वो कहीं ना कहीं छेड़ता है, और वो बेचारी गाँव से आने वाली बेटी सीता होती है और सीता प्रतिकार तो करती है पर उसके संरक्षण में कोई खड़ा नहीं होता है, उसके संरक्षण का दायित्व हमने लिया है, क्योंकि हनुमान जी की सौगंध लेके निकले।